लेकिन जिस हिसाब से पेपर लीक हो रहे हैं और युवा बेरोजगार दर बढ़ता जा रहा है, तो क्या युवा आपके साथ जुड़ रहा है? देखिए, मैं जोड़ने नहीं आया हूँ। युवा ऑलरेडी इस देश का और पूरी दुनिया का आज नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ चुका है और बड़ी आशा से उनकी तरफ देख रहा है। हाँ, ज़रूर, आप जो पेपर लीक की बात कर रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई हो रही है, आपको भी जानकारी है। और ये सारा रोग जो है ना, पेपर लीक और ये आरक्षण, जिसमें इन लोगों की अपना धंधा चलाते थे, नौकरियों का इनका सिंडिकेट था, जैसे ये लोग लूट करते थे, तो वो पुराना एक सिंडिकेट है जिसको योगी जी तोड़ रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले साल भर के अंदर इस उत्तर प्रदेश में कोई पेपर नहीं लीक होगा, किसी टाइप का कोई सिंडिकेट नहीं चलेगा। ये जो शिक्षा का व्यापारीकरण किया था अखिलेश यादव ने और नौकरियों को जो बेचने का कारोबार शुरू किया था, वो योगी जी पूरी तरह समाप्त कर देंगे। आप सब अस्वस्थ हो जाइए, साल भर के अंदर आपको जितने दोषी हैं सब जेल में मिलेंगे, कोई इसमें बचेगा नहीं। जो भी युवाओं के कैरियर के साथ खेलेगा, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ उनके लिए हमेशा दुश्मन की तरह सामने खड़े रहेंगे। आप इसके लिए अस्वस्थ हो जाइए। यानी आपका कहने का मतलब है कि आगामी सालों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे? बिल्कुल खुलेंगे, बिल्कुल खुलेंगे। हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, चाहे मोदी जी हों चाहे योगी जी हों। आपने देखा होगा आज हिंदुस्तान में जितने यूनिकॉर्न हैं, इतने यूनिकॉर्न किसी भी देश में नहीं है। आज हिंदुस्तान में जितने स्टार्टअप चल रहे हैं, इतने स्टार्टअप किसी भी देश में नहीं है। आज हम चाइना से आगे निकल गए हैं स्टार्टअप्स के मामले में। आज यूनिकॉर्न्स 1000 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो ये सब परिवर्तन 10 साल के अंदर आ गया है। एक पुरानी बहुत चरमर व्यवस्था थी जिसको हमने ख़त्म कर दिया है। आज इस देश का युवा कल्पना कर सकता है, आज इस देश का युवा को सोचने की आज़ादी है और अपने हिसाब से जीवन तय करने की आज़ादी है। आप देखिए ना, कितने सारे प्लेटफॉर्म